नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम ग्रामीण आवास में 10 गुना बढ़ी आवासों की संख्या। 65,713 आवासों को मिली मंजूरी। 24% जिलों में आवास निर्माण 100% हुआ पूरा। 26 नवंबर से सक्षमता परीक्षा फेज 3 के आवेदन होंगे शुरू। 8 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तारीख। आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे 1100 रुपए। कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट में कदाचार रोकने की तैयारी। अभ्यर्थियों के पैर में लगेंगे चीप और सेंसर। सफल अभ्यर्थियों का उसी समय होगा दस्तावेज सत्यापन। पटना हरिहरगंज NH 139 के निर्माण को मिली मंजूरी। 5,500 करोड़ रुपए को मिली मंजूरी। जानिए किन जिलों को होगा फायदा। पर्थ टेस्ट में 150 पर टीम इंडिया हुई आउट। अश्विन जडेजा को नहीं लेने पर गावस्कर ने जताई हैरानी। डेब्यू कर रहे रेड्डी का सबसे अच्छा प्रदर्शन। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 3 की आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 8 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको www.bscb.sakshamta.com पर जाना होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 1100 रुपए देने होंगे। परीक्षा का आयोजन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। 150 प्रश्नों के लिए 2.5 घंटे तक का समय दिया जाएगा। आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, BEd या DLED की डिग्री, आधार कार्ड, TET, CTET, STET प्रमाण पत्र, नियोजन पत्र आदि देने होंगे। इसके अलावा आरक्षण प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी देने होंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासों की संख्या 10 गुना बढ़ा दी गई है, जिससे आवासहीन परिवार को काफी फायदा होने वाला है। योजना की स्वीकृति के समय 2023-24 में केवल 6,560 आवास मंजूर हुए थे, लेकिन 4 बार आवासों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे कुल 65,713 आवासों की मंजूरी मिली। इनमें से 52,540 आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि 11,070 का निर्माण अभी बाकी है और 1,584 आवासों की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। 97.64% आवास स्वीकृत हो चुके हैं और 82.76% का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 24 जिलों में आवास निर्माण 100% पूरा हो चुका है, जबकि कुछ जिलों में आवास की स्वीकृति में देरी हो रही है, जैसे नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया। आवास निर्माण योजना को तेजी से देखते हुए इन जिलों में भी जल्द स्वीकृति की उम्मीद है। बिहार के विकास में अब एक और नया आयाम जुड़ने वाला है। दरअसल औरंगाबाद के रास्ते पटना और हरिहरगंज के बीच 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है। इस राजमार्ग के निर्माण में 5,500 रुपए खर्च होने की संभावना है। आपको बता दें कि पटना हरिहरगंज भाया औरंगाबाद NH 139 एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस सड़क के निर्माण से पटना समेत अरवल, दाऊदनगर, ओबरा, औरंगाबाद, कुटुम्बा और हरिहरगंज जैसे कई शहर जुड़ेंगे। साथ ही जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। इस सड़क के निर्माण से किसानों, व्यवसायों और छात्रों व वाणिज्यिक वाहनों को विशेष रूप से फायदा मिलेगा। 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेधा दिवस समारोह 2024 का आयोजन कर रहा है। इस दौरान 10वीं और 12वीं के वार्षिक परीक्षा 2024 के 75 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किए जाने वाले छात्रों में 12वीं के तीनों संकायों में टॉप 5 में 24 विद्यार्थी और 10वीं के टॉप 10 में 51 विद्यार्थियों का नाम शामिल है। 12वीं के तीनों संकायों की बात करें तो साइंस में टॉप 6 में 9, कॉमर्स में टॉप 5 में 8 और आर्ट्स में टॉप 5 में 5 विद्यार्थी शामिल हैं, जिन्हें सम्मानित किया जाना है। 10वीं 12वीं के सभी संकाय के विद्यार्थियों को जो प्रथम आए उन्हें 1,00,000 रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले को 75,000 रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा लैपटॉप, किंडल, ई बुक रीडर, प्रशस्ति पत्र व मेडल भी दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा कहा गया है कि इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के बेहतर संचालन में बेहतर योगदान देने वाले जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट में कदाचार को रोकने के लिए कई तरह से व्यवस्था की गई है। फिजिकल टेस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों का फिर से बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा ताकि लिखित परीक्षा में ली गई बायोमेट्रिक से मिलान की जा सके। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पैर में टेस्ट के दौरान चिप और सेंसर लगाए जाएंगे जिससे परिणाम को पूरी बारीकी से देखा जा सके। पुरुष अभ्यर्थियों के ऊंचाई और सीने की माप होगी और महिला अभ्यर्थियों के ऊंचाई और वजन की जांच की जाएगी। 9 दिसंबर से 21,391 पदों पर बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। पहले दौर में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परिषद की अधिकृत वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षा में पास करने वालों को दस्तावेज सत्यापन उसी समय होगा, इसलिए अपने साथ जरूरी दस्तावेज जरूर ले जाएं। बिहार में जमीन सर्वे के बीच राजस्व विभाग ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार में लिप्त 12 सीओ को विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 189 सीओ के वेतन पर रोक लगा दी गई है। विभागीय मंत्री ने इस कार्रवाई को लेकर दावा किया है कि यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। आपको बता दें कि कई अंचलाधिकारी रैयतों को समय पर जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं करवा रहे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये एक्शन लापरवाही करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। पटना नगर निगम आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत सभी 75 वार्ड कार्यालय में आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में अभियान के पहले दिन 100 लोगों के लिए कैंप लगा था। हालांकि सभी वार्ड पार्षदों के कार्यालय में ये सुविधा 10 दिसंबर तक दी जाएगी। इसके अलावा सफाई इंस्पेक्टर घर घर जाएंगे और वहां 70 साल या उससे ऊपर के बुजुर्गों का कार्ड बनाएंगे। आप चाहे तो अपने वार्ड के पार्षद कार्यालय में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप पटना नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 1553 पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें, यह सुविधा आपको एकदम निःशुल्क दी जाएगी। यदि इसके कोई पैसों की मांग करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुरुवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी पर किसी ने नाम वापस नहीं लिया, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी सर्वनंद एम ने 18 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है। इस चुनाव में राजेश कुमार रोशन का नाम भी चर्चा में है जिनका 17 नवम्बर को निधन हो गया था, लेकिन नामांकन की स्क्रूटनी से पहले उनका नाम वापस नहीं लिया जा सका जिससे उनकी उम्मीदवारी बरकरार रही। 11 से 18 नवंबर तक नामांकन हुआ और सभी आवेदन सही पाए गए। इस बार 1.5 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनके लिए 197 बूथ बनाए गए हैं। 5 दिसंबर को मतदान होगा। प्रमुख उम्मीदवारों में जदयू से अभिषेक झा, राजद से गोपी किशन और जन स्वराज पार्टी से डॉक्टर विनायक गौतम हैं। पटना में शुक्रवार को एक बार फिर ग्राम रक्षा दल का प्रदर्शन हुआ, जहाँ प्रदर्शनकारी जदयू दफ्तर पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। वे दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन को देखते हुए जदयू दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ग्राम रक्षा दल के सदस्य बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे लेकिन पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए और भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। ग्राम रक्षा दल के सदस्य अपनी 11 सूत्री मांगों, जिसमें अस्थायी नियुक्ति और मानदेय वृद्धि शामिल है, को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका मानदेय वर्तमान में 4,000 रुपए, जो लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है। देश के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने 21 नवंबर को जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात की, जिससे अटकलें लग रही हैं कि क्या वे जदयू में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी, जिससे राजनीतिक कयासों का सिलसिला शुरू हो गया था। तब उन्होंने राजनीति में आने के सवाल पर कहा था कि वो बच्चों को पढ़ाना जारी रखेंगे। मनीष वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात की तस्वीरें खान सर के साथ साझा की हैं और बताया है कि बातचीत बिहार की शिक्षा व्यवस्था और विकास पर हुई। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हैं और हाल ही में वे कई जिलों में जाकर सभाएं कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उद्योगपति गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अडानी ने भारत और अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन किया है। इससे पहले विपक्षी दलों ने अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोपों की जाँच के लिए JPC गठन की मांग की थी।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ता है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। हम पार्टी ने मगध विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय अधिवेशन को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने विद्यालय प्रशासन पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि दलित होने के कारण अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री को नहीं बुलाया गया। और उन्होंने कहा है कि दलित होने के कारण अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया गया। हम पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अधिवेशन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक चौधरी शामिल हुए, परंतु स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को आमंत्रित नहीं किया गया। कुलपति ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को दलित होने के नाते आमंत्रित नहीं किया, जो घोर निंदनीय है। इससे पूरे गया लोकसभा क्षेत्र की जनता का अपमान हुआ है। वहीं बीते दिन हुए इस कार्यक्रम में हम नेता को नहीं बुलाए जाने पर पार्टी नेताओं ने कुलपति के खिलाफ जन आक्रोश मार्च निकालने की बात कही और कार्रवाई करने की भी मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज बिहार बीजेपी नेताओं की 2 महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में आयोजित हुई। पहली बैठक सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर हुई। वहीं भाजपा मुख्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। इस दौरान कई बड़े बीजेपी नेताओं ने भाग लिया और चुनाव की रणनीतियां तैयार हुई। वहीं वर्कशॉप के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं को कई चुनावी टिप्स दिए और तालमेल के साथ चुनाव लड़ने की सलाह दी। पहली बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी व अन्य शामिल हुए थे। वहीं वर्कशॉप में राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी आदि मौजूद थे। बिहार की काराकाट सीट लोकसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रही। यहां से पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए थे और महागठबंधन व एनडीए प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन अंतिम तक चुनाव हार गए। इस हार के बाद वे रोहतास में एक स्थानीय प्रोग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव में मिली हार को लेकर पहली बार चर्चा की और कहा कि तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। आगे पवन सिंह ने कहा कि जब कुछ महीनों पहले मैं यहाँ आया था तो आप लोगों ने जो प्यार दिया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। इस दौरान उनके साथ रितेश पांडे भी मौजूद थे, जहाँ उन्होंने अपनी फिल्म की चर्चा की। पर्थ टेस्ट मैच में टॉस जीतकर भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम में अश्विन और जडेजा को नहीं चुना गया, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका मिला। इस निर्णय पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि अश्विन और जडेजा ने टेस्ट मैचों में 900 विकेट लिए हैं और वे केवल भारतीय परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रभावी गेंदबाज हैं। गावस्कर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी का चयन उम्मीद के आधार पर किया गया है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेला है। मैच के अपडेट पर बात करें तो पर्थ टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया 150 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। इसमें डेब्यू कर रहे नीतीश रेड्डी ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, वहीं 37 रन के साथ ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मोहम्मद जेम्स, परशुराम सिंह, अतीक खान, छोटू राजा, प्रदीप पंडित, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, भरत प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, अनवर करीम खान, मोतीलाल कुमार, उमेश ऋषिदेव, रविशंकर, राजीव कुमार, सुनील कुमार, राजकिशोर महतो, वेद प्रकाश सिंह, राजकुमार, अरशद अंसारी, रामबाबू दास, सुहाना अहमद खान, सानवी गुप्ता, पंकज कुमार दास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, खान सर की राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।